सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार, अपना हरियाणा धमाल यूट्यूब चैनल से। दर्शक साथियों, आज एक बार फिर मैं हूँ गांव मदीना के अंदर, महम चौबीसी का मदीना गांव। आज एक ऐतिहासिक काम जो किया है वो किया है, 100 फुट लंबा तिरंगा झंडा, साथी से कहूँगा दिखा दे ऊपर तक, 101 फुट का लंबा तिरंगा झंडा पूरे हरियाणा प्रदेश में, इस देश की आन बान शान का प्रतीक तिरंगा झंडा, जिस झंडे की रक्षा के लिए, जिस देश की मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी थी, आज उन वीर शहीदों की प्रतिमाएं स्कूल की साइड में लगाई गई हैं, जहां से शुरुआत होती है दीन बंधु सर छोटू राम, बाबा साहब अंबेडकर, शहीद सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, शहीद नायक रवि शर्मा जो मदीना गांव के ही सैनिक हैं, शहीद चंद्रशेखर आज़ाद और बहुत से वीर शहीद सैनिकों की प्रतिमाएं यहां पर स्थापित की गई हैं। और दूर ऊंचे आसमान में आप देख सकते हैं मदीना गांव की आन बान शान को चार चांद लगाता ये बैलून, जो मदीना गांव लिखा हुआ है इसके ऊपर, स्पेशल इस चीज़ के लिए गौरवान्वित होगा ये गांव। आज गांव के सरपंच राजा शर्मा जिन्होंने इस कार्य को कर दिखाया है। आज झंडा रोहण, ध्वजारोहण भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य श्री शमशेर सिंह खरकड़ा जी ने किया है, आइए उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। जी नमस्कार। आज 15 अगस्त का दिन, शहीदों का दिन, एक त्यौहार के रूप में मना रहा है देश, देश के युवाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, माताओं के लिए, उन वीर शहीदों के लिए क्या कहना चाहेंगे? आज ऐतिहासिक पल, देश का अमृतकाल, अमृतकाल में हमारी महम हल्के की शान मदीना गांव में एक शानदार ऐतिहासिक काम सरपंच राजा ने किया, ये पूरे प्रदेश को और देश को एक प्रेरणा के लिए एक रास्ता दिखाने का काम किया। 101 फुट ऊंचा तिरंगा झंडा पूरे गांव में दिखाई देगा, पूरे इलाके में दिखाई देगा, नेशनल हाईवे से जाते हुए हर व्यक्ति को दिखाई देगा। उसके साथ साथ हमारे शहीदों के, जिन का आज़ादी में बहुत बड़ा योगदान रहा, आज उनकी प्रतिमाएं लगाकर जो कार्यक्रम आज लगभग 3:30 बजे इस प्रदेश के पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली जी इसका अनावरण करेंगे मूर्तियों का, और जिस तरीके से मूर्तियों की स्थापना की, जिस तरीके से गांव के जो हमारे एक नामी कबड्डी प्लेयर, नामी हमारे व्यक्तित्व का, जिस तरह से यहां पूरी तरह से फोटो लगाए गए और जिस तरह से फुहारे लगाए गए बस अड्डे के ऊपर, गांव का ऐतिहासिक जगह, मैं ये कहता हूं कि आज इसके लिए मैं पूरे गांव को और राजा सरपंच को कोटि कोटि बधाई देता हूं। और साहब नमस्कार। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार जी। रच दिया इतिहास। देखो जी, सभी क्षेत्रवासियों को, रोहतकवासियों को, ग्रामवासियों को हाथ जोड़कर नमस्कार। आज जो भी कुछ है, पूरे गांव का आशीर्वाद हमारे ऊपर है, कोई अकेला सरपंच कुछ नहीं सकता, पूरे गांव की सहमति से ये प्रोग्राम किया गया था। आज हमारे बीच में, हमारे हल्के की, मैम हल्के की आन बान शान जो लोगों के 24 घंटे लिए सुख दुर्द के लिए तैयार रहते हैं, हमारे बीच में हमारे बड़े भाई शमशेर सिंह खरकड़ा लावत जी हमारे बीच में पहुँचे हैं, और गाँव मदीना में आज 101 फुट तिरंगा झंडा 15 अगस्त पर देश की शान का आज इन्होंने उद्घाटन किया है, अपने हाथों से झंडा लहराया है। मैं इनका गांव में, मदीना में पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। और इसी बीच में हमारे आज 3:30 बजे शमशेर सिंह अलावत की अध्यक्षता में हरियाणा विकास एवं पंचायत मंत्री श्री देवेंद्र सिंह बबली गांव मदीना पहुँच रहे हैं। बोले गाँव वालों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है, आज इतना कीमती समय से भी शमशेर सिंह भी अपना कीमती समय, आज हर जगह प्रोग्राम, इतना समय कीमती समय निकाले गाँव मदीना पहुँचे हैं, और 3:30 बजे करीब
करीब 3-3.30 बजे करीब मंत्री जी भी यहाँ पहुँचेंगे। आज यहाँ शहीद स्थल बनाया गया है, शहीदों की मूर्तियाँ रखी हैं। आज इससे यही प्रेरणा मिलती, मैंने किसी गांव में एक मूर्ति देखी, दो मूर्ति देखी, इकट्ठी इतनी जगह मूर्ति नहीं देखी, जो कि आज पूरे गांव पूरी पंचायत की सलाह से मैंने डिसीजन लेके गांव की सलाह लेके जैसे गांव ने दोबारा बनाने का सौभाग्य प्राप्त किया था, मैं मदीना गाँव की धरती को नमन करता हूँ। तो आज सबसे पहले तो दीनबंधु चौधरी छोटू राम जी, और उसके बाद बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर जी, उसके बाद शहीद भगत सिंह जी, और अपने चंद्रशेखर आज़ाद जी, शहीद नवी नायक रवि शर्मा जी और सुभाष चंद्र बोस जी, तो सभी की मूर्तियाँ यहाँ एक साथ इकट्ठी। इससे यही प्रेरणा मिलती है कि आगे किसी दीनबंधु छोटू राम की जयंती है तो वो मनाओ, सुभाष चंद्र की है तो वो मनाओ, एक ही साथ सारे सतल इकट्ठे कर दिए, शहीद सतल इसका नाम रख दिया। और गाँव में देख मैं चाहता हूँ गाँव में शमशेर सिंह की मदद से आशीर्वाद से गाँव में आज गाँव में फुहारे शहर जैसी सुविधाएँ मैंने गाँव में कोशिश करी शहर जैसी सुविधाएँ गाँव में देश को आज फुहारे, सुबह से आज फुहारे दिखाई दे रहे हैं, फुहारे चल रहे हैं, गुब्बारे भी गांव वालों को दिखाई दे रहे हैं, शहरों में देख दिल्ली में देखते थे गुब्बारे। लोग जब हरियाणा प्रदेश के लोग आपके गांव से बीच से गुजरेंगे तो एक मिसाल देंगे कि गांव मदीना में ऐतिहासिक काम किया गया। जी हमने तो सबका स्वागत किया, आई लव मदीना, और सबका वेलकम हमारे इस मेन रोड पे गांव में हमारे गुआ नज़दीक लगते हैं आसपास के इलाका, तो सभी का हम स्वागत करते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। इस बीच में हमारे गाँव वासी एक देखो सरपंच बनाना, एक उसका साथ देना, पिछले 7 साल में मेरे साथ मेरे गाँव वासी कंधे से कंधे मिला के चले, रही शमशेर सिंह लाउज की बात, कोई भी काम की बात है, ग्रांट की बात, इन्होंने ग्रांट अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ी, और आज भी बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा होगा, तो मैं सभी को चलने के माध्यम से निमंत्रण देता हूँ, 2 बजे यहाँ पहुँचे जादूगर मनोरंजन के लिए, आर के सम्राट जादूगर पूरा हरियाणा के प्रसिद्ध कलाकार भी यहाँ पहुँच रहे, उसमें हमारी माताएँ बहनें पिता तुल्य बुजुर्ग सब साथ एक सामाजिक प्रोग्राम देख सकते हैं। धन्यवाद जी। तो दर्शक साथियों आप देख सकते हैं ठीक मेरे पीछे आई लव मदीना और वो फवारे लगाए गए हैं जो शायद पूरे शहर के अंदर देखने को मिलेंगे। अब भाई से कहूँगा एक बार हट जा। सिल्लू पहलवान अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी खिलाड़ी जिसकी यहाँ पर पिक्चर लगाई है और मदीना गांव का इतिहास भी लिखा गया है, यहाँ पर पूरा इतिहास लिखा गया है। इधर संजीत उर्फ संग्राम सिंह अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी है, संग्राम सिंह भी ये याद दिलाते रहेंगे लाला लाजपत राय, विवेकानंद, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह। और उधर मैं भाई को कहूँगा वो दिखा दे आई लव मदीना, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से गांव के सरकारी स्कूल के ठीक गेट के ऊपर ये पिक्चर आई लव मदीना जो लगाई गई है। यहाँ पर भाई है विक्की भाई, राम राम। राम राम जी। आज गांव में 4 चांद लगे सर, राजा सरपंच की वजह से प्राउड फील कर रहे हैं। अगर हमारे गांव में जो इतने लंबे समय से राजनीतिक गांव रहा है, उस गांव में पहली बार ऐसे शहीदों की प्रतिमा लगी है, तो ये हमारे लिए एक ऐतिहासिक गौरवान्वित पल है और जिसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। चलो धन्यवाद विक्की। हमारे लिए कोई अब देखिए ये वो स्थल है, ये वो जगह है जहाँ से सुबह स्कूल के अंदर विद्यार्थी एंट्री करेंगे और भगवान का नाम लेने से पहले उन वीर शहीदों के, उन नामी गिरामी हस्तियों के दर्शन करेंगे जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम किए, देश के लिए बड़ा बड़ा खेल दिखाया, वो देश के लिए, युवाओं के लिए मिसाल होंगे, प्रेरणा स्रोत होंगे। अभी आप देख सकते हैं शमशेर सिंह खरगड़ा जी और उनके साथ सरपंच साहब, ये जो पल है आप देख सकते हैं आई लव मदीना, और लगातार यहाँ पर फवारों की चमक रात में इसको, इसकी सुंदरता को 4 चांद लगा देंगे। तो दर्शक साथियों बने रहिएगा जब तक एक नई और वीडियो ना आए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।